नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चेतन मीरानी। आज मैं आपको SBI कार्ड की एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, तो दिमाग एकदम शांत रखना, पेशेंस रखना, पूरा वीडियो देखना और थोड़ा सा साहस करके और अपना लक का साथ लेके ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो पहले इस स्ट्रेटेजी का मैं बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे उभर के आई। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा कि जहां पे पूरा स्ट्रेटेजी का सेटअप, इंप्लीमेंटेशन, सब कुछ आपको चार्ट वगैरह बताऊंगा। तो मेरे एक ट्रेडर है, बहुत ही अच्छे ट्रेडर है, जो बॉम्बे से हैं, और मेरे से काफी सारे ट्रेडर हैं जिसको मैं कुछ रिसर्च का काम देता रहता हूँ और उनको अच्छा भी लगता है। तो मैंने काफी टाइम से उनको बोला था कि SBI कार्ड पे कुछ चीजों में नजर रखनी है, हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो वो रिसर्च क्या किया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले तो हमने ये जाना कि ये जो स्टॉक है वो इंट्राडे के लिए सूटेबल है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं उसके लिए मैं क्या खास चेक करता हूँ कि उसकी वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमको मूवमेंट आए दिन मिलती रहनी चाहिए, भले हर रोज ना मिले पर आए दिन मूवमेंट रहनी चाहिए, ताकि हमारा कम से कम 65-75% का तो रेशियो आए, सक्सेस रेशियो। तो ये इसमें आ गया SBI कार्ड, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हमने ये देखा कि क्या एक सिंपल प्राइस एक्शन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी आंसर मिल गया कि हाँ डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, कि सिंपल तरीके से समझा सकूं और सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकूं, तो वो भी आंसर आ गया। फिर हमने ये देखा कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ सकता है। कई बार रिस्की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो वो मैं नहीं देना चाहता। प्रॉफिट होता है, रिस्की होता है वो, तो वो सबके लिए सुटेबल नहीं होता है। अब जैसे 1:2, 1:1.5, ये सब अच्छे रेशियोज है, ऐसा अगर मुझे मिलता है तो मुझे मजा आता है, तो इसमें यह भी खराब उतर गया। और थोड़ा इसको बैक टेस्टिंग भी हमने किया और स्पेशली माइक्रो ट्रेडिंग भी करवाया। माइक्रो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि तुम बैक टेस्टिंग वगैरह कर लेते हो, पर कई बार जब हम रियल लाइफ ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ और चीजें पता चलती है जो बैक टेस्टिंग में नहीं दिखती। बैक टेस्टिंग करना चाहिए, अच्छी बात है, पर रियल ट्रेडिंग भी करना चाहिए। माइक्रो ट्रेडिंग क्या मतलब, छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, एक एक दो दो पांच पांच माइक क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, रियल ट्रेड्स डालो और पता करो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो भी किया हम लोगों ने, उसके बाद थोड़ा पता चला इसमें बफर पॉइंट डालने की जरूरत है। बफर पॉइंट मतलब एग्जैक्टली बाय एंड सेल जहां पे ट्रिगर होता है वहां पे ट्रेड मत करो, 2 रुपए का 3 रुपए का डिफरेंस रख दो। तो वो क्या है वो मैं बताने वाला हूं, पर अभी सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी या तो रिसर्च सुन लो। बफर स्टोर भी बफर पॉइंट्स भी पता चल गया कि कितना होना चाहिए। वो कब पता चला, जब माइक्रो ट्रेडिंग किया था, और काउंटर ट्रेडिंग इसमें करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक पूरा एक रिसर्च था कि जिससे पता चला कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी मूवमेंट है, कौन सी कैंडल सिलेक्ट करनी चाहिए। उसका भी एक डिसीजन लेना पड़ता है कि फर्स्ट कैंडल सुटेबल रहेगी, सेकंड कैंडल। अब लोगों को ये बहुत ईजी लगता है, पर अब देखो कि अगर मैं आपको ऐसा होमवर्क दूं कि चलो एक स्टॉक में आपको दे देता हूं कि चलो डीमार्ट, और उसमें से स्ट्रेटेजी बना के लाओ, तो बहुत लेंथी काम होता है कि सबसे पहले तो डीमार्ट को 2-3 साल का डेटा इकट्ठा करो इंट्राडे का, फिर उस पर पहले फर्स्ट कैंडल के बेस पे पूरा बैक टेस्टिंग या तो रिसर्च करो, उसका एक सक्सेस रेशियो लेके आओ, फिर सेकंड कैंडल को सर्च करो, उसको कंपेयर करो, फिर पता करो कौन सी कैंडल ज्यादा स्टेबिलाईज है, फिर उसमें कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डालो, ये वो बहुत मेहनत का काम है। और मैं ये यूट्यूब में काफी बार काफी सारी स्ट्रेटेजी फ्री डालता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो। तो अब सीरियसली लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, और बहुत मेहनत करके काफी सारे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर है वो भी हेल्प करते हैं विदाउट एनीथिंग। उनके मन में ऐसा नहीं होता कि सर हमको इतना पैसा दे दो या वैसा, वो तो अच्छे लोग हैं, उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसलिए वो दे देते हैं। तो इतना एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, थैंक यू। तो अब हम आ गए मेरे लैपटॉप पे, और पूरी तरीके से बहुत ही पेशेंस के साथ समझने की ट्राई करेंगे कि ये सेटअप है क्या SBI कार्ड के लिए, इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि ये सेटअप को पूरा मैंने आउटलाइन यहाँ पे एक समरी तैयार कर दिया, ताकि समझने में आसानी हो, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को समझेंगे। टाइम फ्रेम क्या लेना है हमें इंट्राडे में, 15 मिनट का, ठीक है। कैंडल कौन सी लेनी है, कैंडल स्टिक कैंडल लेंगे, और हमारा डिसीजन मेकिंग कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल होगा।
अब ट्रेड कैसे लेना है कि जो फर्स्ट कैंडल का अगर हाई मार्केट तोड़ता है तो हम बाई करेंगे, फर्स्ट कैंडल का अगर लो तोड़ता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये कॉमन ओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एक कॉमन सेटअप है। बाद में आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो मैं हमेशा ज्यादातर फॉलो करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। आप 1:1.5 भी यूज कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 1:2 फॉलो करो। फिर बफर पॉइंट, अब ये बफर पॉइंट क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा एक वीडियो देख लेना, पर मैं आगे थोड़ा ब्रीफ में समझा दूंगा। बफर पॉइंट 3 रुपये का रखेंगे या तो 0.10-0.12% का रख लो। ये पूरी स्ट्रेटेजी पूरे सेटअप में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 75%। और काउंटर ट्रेडिंग हमें करना है, ये पता नहीं हो काउंटर ट्रेडिंग तो उसका भी एक वीडियो चैनल में है, पैसा तो बनेगा कि वो देख लो, और वैसे ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो चिंता मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि ये एसबीआई कार्ड की एक कैंडल हो 15 मिनट की, वो खत्म होगी 9:30 को, तो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में ऐसी कैंडल दिखेगी। अब ये हाई है, अगर वो हाई को तोड़ता है मार्केट तो हम बाय ऑर्डर डालेंगे, सेल को तोड़ता है तो हम लो को तोड़ता है तो हम सेल ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको जाना है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैंने समझा दिया। अब कई बार पता है ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और फिर बाद में नीचे आ जाता है, और कई बार नीचे जाता है बाद में ऊपर आ जाता है, तो वहां पे हमको काउंटर ट्रेड यूज करना है। काउंटर ट्रेड आप पहले भी ब्रेकेट ऑर्डर डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये कैंडल बन जाए तो ब्रेकेट ऑर्डर डाल दो, बाकी बाद में अपना काम करो चलेगा। काउंटर ट्रेडिंग क्या हेल्प करता है कि लेट से कि बाय ऑर्डर यहां पे ट्रिगर हुआ और बाद में मार्केट नीचे आया, तो हमारा इतना लॉस तो रिकवर कर ही देगा, पर अपोजिट ट्रेड भी सेल वाला एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये पूरी मूवमेंट हम मिस भी नहीं करेंगे। तो ये होता है काउंटर ट्रेडिंग। अगर डिटेल में जानना होगा सर, डिटेल में समझाओ, तो मैंने काउंटर ट्रेडिंग का एक वीडियो पैसा तो बनेगा कि चैनल में डाला है, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिछले 1.5 महीने के ही मैंने एग्जाम्पल बनाया। बैक टेस्टिंग रिसर्च और माइक्रो ट्रेडिंग तो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, पर लेटेस्ट कुछ दिनों के मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि और समझ में आ जाए। तो ये एक फर्स्ट कैंडल थी 11 तारीख की, 11 सितंबर की, तो मार्केट ऊपर तोड़ा, बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया इसने, ठीक है, बहुत ही स्टेबिलाइज ये रिटर्न देता है। फिर आगे जाते हैं तो 10 तारीख का एक ले लेते हैं, यहाँ पे 15 मिनट का ये कैंडल है, अच्छी तरह से रिटर्न दिया, ठीक है, ओके। फिर एक दो दिन पहले का 8 तारीख का ले लेते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल थी ये वाली, तो थोड़ा नीचे जाने के बाद पूरा ऊपर गया है, तो इसलिए मैं बोलता था कि डायरेक्ट हम लो और हाई पे अगर ऑर्डर एग्जिट करेंगे तो कई बार फॉल्स पॉजिटिव ब्रेकआउट मिलेंगे, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं अपने कि 2-3 रुपए का डिफरेंस रखो तो उसमें से बच जाते, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है। फिर ये देखो ये बड़ी कैंडल थी, पर SBI कार्ड में बड़ी कैंडल भी यूज कर सकते हो, अच्छी तरह से प्रॉफिट देती है। फिर यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ कि पहले उसने हाई ब्रेक किया, अगर 2-3 रुपए डाले होते बफर पॉइंट में फिर भी आपका शायद ट्रिगर तो हो ही जाता। तो जानबूझ के ये एग्जांपल मैंने क्यों दिखाया है, 31 अगस्त का है, लेटेस्ट ये एग्जांपल है पिछले महीने का, ताकि अगर आपने दोनों ऑर्डर डाले होते ब्रेकेट ऑर्डर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, तो क्या होता कि ऊपर जाके नीचे जरूर आता, उतना लॉस होता, पर उसके बाद सीधा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाता तो पूरा मार्केट का मुझे मूवमेंट मिलता। वरना दूसरा ट्रेडर क्या करता है, बैठा रहता है, जिनको काउंटर ट्रेडिंग का कंसेप्ट पता नहीं होता। इस तरह से प्रॉफिट मार्केट में कमाना चाहिए, ये सब स्मार्ट ट्रिक्स होती है। फिर ये देखो ये 28 तारीख का है, बहुत अच्छी तरह से उसने मूवमेंट दिया। आप डेट देखते जाओ, हर दूसरे दिन पे ये मूवमेंट देता है। मैंने जानबूझ के ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट क्यों लिए, ताकि आपको पता चले कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ये ट्रेड देता है। देखो अगेन 27 तारीख का अच्छी तरह से रिटर्न दिया उसने, ठीक है। फिर ये देखो 25 तारीख का पूरा बहुत बड़ा उसने डाउन साइड का प्रॉफिट दिया अपने को। फिर ये 21 तारीख का, ठीक है। फिर ये देखो करीबन 1 बजे तक, 1:30 बजे तक कुछ नहीं था, बाद में एक अच्छा सा मूव दे दिया। ये देखो सीधा डाउन साइड बहुत अच्छा सा रिटर्न दे दिया। अब मैंने करीबन 10 या 11 एग्जांपल आपको दिखाए, उसमें मुझे जितना कवर करना था मैंने कर दिया। उसके अलावा इस स्टॉक में कुछ यूनिक पैटर्न्स नहीं आ रही है, तो मुझे जितना ऐसा लगा मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसके दो ऑब्जर्वेशन निकलते हैं पूरे रिसर्च के, एक कि SBI कार्ड में आप बिग कैंडल्स भी ट्राई कर सकते हो, नो नीड टू वरी। दूसरा कि जैसे ही 1-2 दिन अच्छी तरह से मूवमेंट देगा, बाद में हो सकता है कि शायद 1-2 दिन मूवमेंट ना दे, कंसोलिडेट हो। हालांकि यह स्टोरी
हर एक स्टॉक की होती है, रिलायंस ले लो, डीमार्ट ले लो, टीसीएस ले लो, इंफोसिस ले लो, डॉक्टर रेड्डी ले लो, कहीं पे भी ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हर दिन ट्रेड मिलेंगे। और इसलिए ही मार्केट हमेशा हमारे पास कुछ बलिदान मांगता है जिसको हम लॉस कहते हैं। तो 20-25% लॉस होगा, दैट इज नो नीड टू वरी, और ऐसा ही होना चाहिए। नो लॉस स्ट्रेटेजी ऐसा सब कुछ फैंटेसी होती है, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हमको सक्सेस रेशियो डिटरमाइन करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे तो आराम से प्रॉफिट बन जाएगा, कोई हमको प्रॉफिट बनाने से रोक नहीं सकता। अब दूसरी बात कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बना बताता हूँ आपको, तो एक दो चीज़ का आप ध्यान रखो जो काफ़ी सारे ट्रेडर फॉलो नहीं करते हैं, कि हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है। और कंपाउंडिंग मतलब क्या कि 5 ट्रेड ले लिए, 10 ट्रेड ले लिए, 15 ट्रेड ले लिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छी तरह से उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है। इट्स अ बिजनेस, ये गेमलिंग नहीं है। अगर गेमलिंग की तरह स्टॉक मार्केट में आओगे तो आप गेमलिंग की तरह ही वापस जाओगे। और एज अ बिजनेसमैन अगर आप सोचोगे तो आपको वहां पे डटे रहना है, अच्छी तरह से चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा कि अगर लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ना है, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा बनाना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं टिप्स वगैरह में नहीं मानता, मैं लोगों को कैपेबल बनाने में मानता हूँ। दूसरा कि ऑल ओवर इंडिया मैंने इंट्राडे स्कूल लॉन्च की है, ऑप्शन स्कूल लॉन्च की है, कमोडिटी स्कूल लॉन्च की है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 में आपके सब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और फ्री है ये आराम से, ठीक है। फिर लेवल 2 में आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी मिलेगी, एडजस्टमेंट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और लेवल 3 में उसका सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू। स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है, और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम है। ये बहुत सीरियस प्रोग्राम है और सीरियस हो तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि खास करके मिडिल क्लास लोग आगे बढ़े अपनी लाइफ में। कहीं पर भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल पर भी डाल सकते हो क्वेश्चन, और या तो वेबसाइट भी ब्राउज कर सकते हो। तो आई होप आप इस लोगों स्ट्रेटेजी को सीरियसली लोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।